नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में डॉक्टर गौरव का। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं शिवराम चौधरी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2022 एग्जाम क्लियर किया है। वेलकम शिवराम, और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। शिवराम, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैम, मेरा नाम शिवराम चौधरी है, मैं बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने हाल ही में आईबीपीएस 2020 में मैंने आईबीपीएस क्लर्क और IDBA AM क्लियर किया है। साथ में बिहार कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम होता है मैम बिहार में, उसको भी मैंने मैम क्लियर किया है। सो शिवराम, थोड़ा सा कैसे बैंकिंग की तरफ रुझान हुआ? आप हमेशा से इंटरेस्टेड थे, बैंकिंग एस्पिरेंट थे? नो मैम, एक्चुअली मैम मैं स्टार्टिंग से 2019 से मैं एसएससी में ज़्यादा प्रेफर करता था, एसएससी सीजीएल के लिए। तो मैम 2019 के बाद मैंने देखा कि उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एसएससी जो था वो टाइम टेकिंग उस टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो मैम मैंने उसके बाद 2020 में ये डिसाइड किया कि एसएससी को स्विच करके मैं बैंकिंग की तरफ जा रहा हूँ। और फिर 2020 के मैंने मैम लास्ट से बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की, 2020 के लास्ट से, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। एसएससी आप पहले एसएससी की तैयारी करें तो उसके बाद बैंक की, तो यस मैम, थोड़ा सा एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, पैटर्न मैंने बिल्डिंग, सो थोड़ा सा बताएं। यस मैम। मैम पैटर्न में तो मैथ मेरा बेसिकली एसएससी में मैंने पढ़ा था, तो मैथ तो मेरा ठीक ही था उस टाइम से ही थोड़ा बहुत। उसके बाद मैम रीजनिंग में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एसएससी के और बैंकिंग के रीजनिंग में। तो मैम मैंने रीजनिंग पे शुरू के स्टार्टिंग के 5-6 महीना काम किया था, 2020 के लास्ट से या 2021 के स्टार्टिंग से। उसके बाद मैम मैं इंग्लिश का भी मैंने उसके बाद स्टार्टिंग से उसका प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इंग्लिश में बैंक में अंडरस्टैंडिंग अच्छा चाहिए और एसएससी में थोड़ा सा वोकैबुलरी बेस ज़्यादा आता है। तो इसके लिए मैंने उसके बाद फिर से एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दिया था और मैंने इंग्लिश के अच्छे अच्छे क्लासेस देखना शुरू कर दिए थे ताकि जो बैंकिंग से रिलेवेंट हो। और मैम जीके का तो मैम गौरव गर्ग सर का तो मैंने वीडियो स्टार्टिंग से ही फॉलो किया, 2019 से भी मुझे याद है जब सर यूट्यूब पे पढ़ाते थे फ्री में, तो मैं वहाँ भी मैम सर को फॉलो करता था। और उसके बाद जब से सर पेड कोर्स किए थे उसके बाद मैंने मैम पेड कोर्स भी सर का लिया था। मैम उसके बाद स्टार्टिंग में हुआ था कि जब बैंकिंग में जब मैं आया था तो 2021 में मैंने मैम RRB PO का प्री क्लियर किया था। तो उस टाइम में मैम GK GS जो था वो मैंने गौरव गर्ग सर से नहीं कर पाया था उस टाइम मैं किसी और सोर्स से फॉलो कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट रिलेटेड सोर्स सब रहता था, बहुत ज़्यादा PDF सब रहते थे उसमें। तो मैंने मैम उनको फॉलो किया था, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था उस टाइम मुझे, तो क्योंकि मैम उसको फिर ये बार बार याद करना पड़ रहा था तो ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग नहीं उसमें बन पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने 2022 में मैम जो भी जितने भी सारे बैंक एग्जाम हुए उसमें मैंने फिर से गौरव गर्ग सर को रिगोरसली फॉलो करना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद मेरे जीए में मैम अच्छे मार्क आने लगे, तो बस मैम यही था। यानी कि गौरव सर का एक बहुत ही अहम रोल रहा है। यस मैम, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल रहा है मैम। एक्चुअली इस बार भी जो क्लर्क IBPS क्लर्क का रिजल्ट आया है उसमें सेक्शनल कट ऑफ 1 मार्क गई है जीके की, और मैंने उसमें 20 मार्क है अप्रोक्स। वाह, दिस इज अमेजिंग। सो शिवराम, हम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की, साथ में कैसे लेकर चलना है? मैम एक्चुअली अभी हो क्या रहा है कि बच्चे लोग जो भी स्टार्टिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं वो पहले कर क्या रहे कि पहले प्रीलिम्स को तैयारी कर रहे हैं और फिर प्री के बाद सोच रहे कि मेंस का तैयारी करें। तो मैम प्री के लिए बच्चे अगर 1 साल से 6 महीना दे रहे हैं, 6 मंथ दे रहे हैं, तो मैम वो जो होता है कि प्री के रिजल्ट आने के बाद और मेंस के मुश्किल से हार्डली 20 से 25 दिन का टाइम रहता है। तो मैम एक तरफ आप प्री के लिए आप 6 महीना साल भर दे रहे हैं इन्वेस्ट करें और जो मेंस होता है उसके लिए सिर्फ 20 दिन इन्वेस्ट करें। तो मैम ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल से, इसलिए प्री और मैम मेंस को साथ में लेकर तैयारी करना चाहिए। और इवन मैं बोलूंगा कि मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस करोगे तो ऑलरेडी प्री आपका क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन आजकल मैम हो कह रहे हैं कि बच्चे लोग प्री के बाद मेंस का तैयारी करते हैं, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से सबसे एक निगेटिव चीज़ था। हालांकि शुरू में मैंने भी ये चीज़ फॉलो किया था, मैं भी सोच रहा था कि मैं पहले प्री क्लियर करूंगा फिर मेंस क्लियर करूंगा। तो मुझे बाद में रियलाइज होगा 2021 के लास्ट में कि ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है, मुझे मेंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इस पर मैंने मेंस को स्टार्टिंग से ही तैयारी मैम की, मैंने तो प्री का मैम तैयारी कुछ किया ही नहीं इस पर, मैं तो सिर्फ मेंस का ही तैयारी कर रहा था और प्री तो सारे प्री निकल गए मैम, SBI PO IBPS PO SBI क्लर्क सर सारे के सारे प्री निकल गए, मैंने मैम मेंस की तैयारी की। सो शिवराम, प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट कितने लगाए आपने, फुल लेंथ टेस्ट कितने लगाए? मैंने मॉक काफी बड़ा रोल प्ले करता है मैम कोई से भी बैंकिंग एग्जाम में, खासकर सक्सेस के लिए, क्योंकि मैम मॉक के बगैर आप नहीं, पॉसिबल नहीं है आजकल करना, क्योंकि मॉक में ही मैम अपने आप को जज कर सकता है कि मैंने क्या प्रिपरेशन किया और क्या मतलब कितने मेरे बन रहे हैं। तो मैम मैंने मॉक को बहुत ज्यादा मैंने मॉक को फॉलो किया है
मैम इवन मैं तो बोलूंगा कि मैंने मेंस का जब एग्जाम आ गया था मेरा मेंस का, जो भी एबीपीएस के एसबीआई के मेंस रहते, तो मैंने मैम इवन हर एक दो या इवन अल्ट मैम डेली कोशिश करता कि एक मेंस लगा ही दूं। तो उससे मैम मेंस मैंने उससे क्लियर की, मतलब मेंस का मैम बेसिकली बोलूंगा तो मैं मॉक से ही मैंने सारे मेंस क्लियर की। और जीएस के लिए तो मैं जीएस जीके जीएस के तो मैं सर गौरव सर को फॉलो कर रहा था, तो उसके लिए मुझे मैम अलग से नहीं करना पड़ा कुछ प्रिपरेशन। मतलब मैम विद इन अ 20 मिनट का एक सर का वीडियो आता था डेली स्टडी क्यू के ऐप पे, मैंने मैम सब्सक्रिप्शन ले रखा था 2 साल के लिए एक बार में ही, तो मैंने बस 20 मिनट मैम डेली फॉलो किया। और सर का जो बैंकिंग अवेयरनेस का मैम कोर्स था, बैंकिंग अवेयरनेस जो सर उसमें करवाते थे, बैंकिंग अवेयरनेस, वो तो मैम इतना बढ़िया था कि सारे बैंकिंग अवेयरनेस उसी से आ रहे थे, क्योंकि सर हर एक आरबीआई का सर्कुलर डिस्कस कर रहे थे, मुझे याद है भी। और मैंने हर एक का प्रिंटआउट मैम निकाल रहा था मैं बैंकिंग अवेयरनेस का, तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तो मैम से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। शिवराम, हम मैनेज टाइम कैसे करते हैं एग्जामिनेशन में, उसके बारे में बताएं। साथ ही मैं चाहती हूँ जो बैलेंस होता है स्पीड एक्यूरेसी, इसके बारे में। मैम स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मेरे ख्याल से मॉक ही सही है, क्योंकि आप मॉक में ही आप अपने आप को स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मॉक ही होता है जो टाइम सेट रहता है, आप कितना टाइम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो उसके लिए एक मॉक ही सही है। और मैम एक्यूरेसी के लिए बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैम फिर एक्यूरेसी भी सही हो जाती है। और प्री के लिए मैम स्पीड मायने रखती है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मायने रखती है प्री के लिए, लेकिन मैम मेंस के लिए मेरे ख्याल से स्पीड ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेंस में आपके पास सफिशियंट टाइम होता है और आपको जो कट ऑफ जाता है उसको क्लियर करना है, तो उसके लिए सफिशियंट टाइम है, उतने क्वेश्चन को आप चूज करके उसमें से आप बना सकते हैं। तो मैम स्पीड का जहां तक सवाल है, तो स्पीड तो प्री में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि प्री में आपको 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं मैथ के, रीजनिंग और इंग्लिश के 20 मिनट में। तो मैम प्री के लिए तो स्पीड जरूरी है, तो उसको आप मॉक से मैम इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉक आप लगाइए, मॉक बार बार लगाइए। तो स्पीड के लिए मैं मॉक, प्री के लिए मॉक मैं प्रेफर करूंगा। और मैम मेंस के लिए एक्यूरेसी, उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट, यानी कि आपके बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छे हैं, तो आप उस टाइम में विद इन टाइम में आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो मोर देन सफिशियंट होंगे मार्क के लिए, मेंस के मार्क के लिए। शिवराम, आपसे समझना चाहूंगी क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। मैम मैं क्या करता था कि मेंस में, खासकर प्री में, तो मैम मेरा तो प्री का सिंपल फंडा था कि अगर मैं प्री में मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैम सबसे पहले मैंने मिसलिनियस को मैम छोड़ करके, यानी कि जो अर्थमेटिक क्वेश्चन होता है उनको छोड़ करके मैं डीआई सॉल्व करता था, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज, यानी कि अर्थमेटिक को छोड़ के मैं जो भी सारा टॉपिक स्पीड मैथ जिसको बोलते हैं उसको मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करता था, क्योंकि उसमें होते क्या थे, कम टाइम में मैं 20 से 25 मार्क सिक्योर कर लेता था अपने प्री में। और उसके बाद जो टाइम बचते थे, तो उसमें मैं फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। ये तो मेरा मैथ का स्ट्रेटजी सिंपल सा रहा था। और रीजनिंग के लिए मैं रीजनिंग का प्री का मैंने काफी प्रैक्टिस कर चुका था, पजल वजल सब, तो प्री में रीजनिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं होते थे। मैंने एक थोड़ा मतलब गो थ्रू एक सिंपल पहला क्वेश्चन से लेकर 35 क्वेश्चन तक मैं अटेम्प्ट करता था, उसमें एक दो एक आधे मिसलिनियस वाले थे तो उसको स्किप कर देता था, ताकि वो टाइम टेकिंग होता था। और मैं मेंस का जहां तक बात है, तो मेंस का मैं करता क्या था कि जो मेंस का पेपर स्टार्ट हुआ, तो मैं एक पेपर का गो मैं पेपर को गो थ्रू कर लेता था, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और उसमें से जो जो क्वेश्चन मुझे लगते थे कि ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, उसको मैं मार्क कर लेता था, वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर लेता था। एक बार पेपर स्टार्ट हुआ, मैं सारा पेपर को मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, जिस मान लेते हैं मैम 50 क्वेश्चन है मैथ में, तो मैं उसमें से 30 या 25 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर लिए। फिर उसके बाद मैं उन क्वेश्चन को पहले खत्म कर लेता था, और जो उसके बाद टाइम बचता था उसके बाद जो नेक्स्ट बचे हैं क्वेश्चन उसको मैं अटेम्प्ट करता था। शिवराम, सेशन के एंड में कुछ फाइनल टिप सजेशंस। यस मैम, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर बैंकिंग एग्जाम में आपको 6 से 8 मंथ या 6 to 8 मंथ आपको जॉब चाहिए, तो आपको रिगोरियसली किसी एक पार्टिकुलर एडुकेटर को फॉलो करना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, जैसे करंट अफेयर में ही गौरव सर हो गए, हर एक का अलग अलग अपना सेक्शन होता है। तो बस वही, अगर किसी में ट्रस्ट करके अगर 6 से 8 मंथ अगर सही से फॉलो किया जाए, तो आपको फिर रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए आप ब्लाइंडली किसी को, किन्हीं को फॉलो करें, 6 से 8 मंथ फॉलो करें अच्छे से, फिर अच्छे से प्रिपरेशन करें, फिर हो जाएगा। पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा सा, बस हो जाएगा। शिवराम, लेकिन एक और चीज पूछना चाहूंगी कि पेशेंस रखते हैं, लेकिन जब आप एक एग्जामिनेशन को टारगेट बना के चलते हैं तो एक बहुत एंजाइटी सी भी होती है, माइंडसेट भी घबराता है कि होगा कि नहीं होगा, तो उसको कैसे काम कंपोज रखना है। मैम मैं तो ये तो मैं गौरव गर्ग सर का ही मैं देखा था एक चीज, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप, आपके पास कोई एक प्लान है, तो आप प्लान पे आप 100% दे दीजिए, बस वो इंडलेस नहीं होना चाहिए, उसका एक टाइम होना चाहिए। 6 मंथ मैंने बोला क्या, बैंकिंग एग्जाम में 6 to 8 मंथ आपको अगर देना है, उसमें अगर आपको एग्जाम निकालना है, तो आपको पेशेंस के साथ 100% आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर, हालांकि मैम टाइम होना चाहिए, वो छः आप किसी का 1 साल हो सकता है, किसी का 2 साल हो सकता है,
तो वही चीज़ मैम, आपको एक टाइम सेट करना चाहिए, आपको गोल सेट करना चाहिए, उसमें आपको 100% देना चाहिए। और अगर उस टाइम में अगर आपका नहीं हो रहा तो फिर आपको अल्टरनेट कोई ऑप्शन देखना चाहिए, लेकिन पहले उस टाइम में आपको वो अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए। और एंडलेस टाइम ही होना चाहिए मैम किसी भी चीज़ का, एक खास टाइम, जैसे बैंकिंग एग्जाम 1 से 2 साल होना चाहिए, 2 साल तक आप दीजिए अच्छे से, उसमें अपने 100% दीजिए, और अगर उसके बाद फिर आप कोई प्लान पे स्विच कर सकते हैं। Thank you so much, Shivram, for joining us. We wish you good health, good luck. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।